पोटका के बड़ा सिगदी पर्यावरण चेतन केदो में सिडबी ऊषा सिलाय स्कूल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऊषा एवं सिडबी की नई पहल का कार्यक्रम में 9 दिवसीय ऊषा सिलाई स्कूल संचालन महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोटका प्रखंड एवं मुसाबनी के विभिन्न गाँव से चयनित किए गए महिलाएं, जो पहले सिलाई कढ़ाई की प्रशिक्षण या अपने से सिलाई के काम कर रही थी, किसी कारणवश अब छोड़ चुकी है या तो घर में सिलाई मशीन नहीं रहने के कारण सिलाई करने की दक्षता को दबा के रखी थी, से रुका हुआ हुनर फिर से उभरेगा 9 दिन की ट्रेनिंग में। इसमें 20-20 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। प्रशिक्षण के अंत में ऊषा मशीन नव भारत जागृति केंद्र द्वारा ट्रेनिंग का संचालन किया जा रहा है। सहयोग में पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिगदी है। अंतिम दिन 3 दिसंबर को एक सिलाई मशीन, बोर्ड, सिलेबस, सर्टिफिकेट, रजिस्टर, थ्रेड ऑफ जब दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ा सिगदी पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देश सिद्धेश्वर सरदार ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से फिलेक्स तिरकी, शैलेश कुमार, नव भारत जागृति केंद्र हजारीबाग, गोपाल मिश्रा आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। एवं सिडबी की एक नई पहल जो महिलाओं को सबलन की ओर ले जाने का, इसमें नव भारत जागृति केंद्र और पर्यावरण संस्था जोड़कर महिलाओं को सबलम्बन की ओर ले जाए, इसका एक बहुत ही फायदा होगा कि तो निजी रोजगार हमारे घर बैठे रोजगार कर सकते हैं, जैसे महिला कहीं जा नहीं पाती है, अपना काम काज से लेकर वो भी अपना कुछ रोजगार करें, जो पारिवारिक को ठीक रूप से संचालन कर सकते, साथ साथ वो स्कूल के रूप में काम करेगी, जो हर महिला 20-20 महिलाओं को सिखाएगी, तो इससे क्या होगा कि एक स्कूल के रूप लेगा, शिक्षा का गति बढ़ेगा और स्वावलंबन की दिशा के वो लोग बढ़ेंगे, अपनी रोजगार होगा और इसी उद्देश्य से वो घर बैठे वो कैसे स्वावलंबन हो सके, लोगों को शिक्षित कर सके और लोगों को शास्त्र के ओर से जागरूक कर सके, माने एक टूल के रूप में काम करेगा, जैसे पर्यावरण चेतना केंद्र इसका मॉनिटरिंग करता है, तो एक टूल के रूप में करेंगे कि महिला स्वावलंबन की दिशा में कितना आगे बढ़ रही है, कितना लोग शिक्षित हो रहे हैं, कितना लोग शास्त्र के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य से लेकर ये काम हो रहा है और इसका ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि आगे यहाँ से जब 9 दिन का ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे और जब अपने गांव में शुरू करेंगे तो इसका उपलब्धि दिखने के लिए मिलेगा। सर, सिडबी स्वावलंबन सिलाई स्कूल का उद्देश्य ये है कि महिला अपने पैर से खड़ा होंगे, अपने से स्वरोजगार करेंगे और आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे, अपना परिवार को खुशहाल मंगल चलाएंगे और भी इसका थ्रू से दूसरे महिला लोग भी सीखेंगे और कौशल विकास का सरकार की जो योजना है उसमें भी लोग का मददगारी होगी, चाहे कि सरकार सब कोई लोग कौशल विकास की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग ऊषा इंटरनेशनल भी मैंने कौशल विकास में अपना रोल अदा कर रही है, तो ये मैंने होलिस्टिक अप्रोच है कि आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग का जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है नव भारत जागृति केंद्र, तो इसमें बहुत सारे हिस्सा भी ले रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम का संचालन करने में प्रेरणा पर्यावरण चेतना केंद्र ये भी एक संस्था जुड़ा हुआ है, ये एक टीम वर्क चल रहा है ताकि ये प्रोग्राम अच्छा से अच्छा हो सके और महिलाओं को और समाज का भलाई हो सके। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।